महिला जीविका सीएम की गैंगरेप, महिला की सौ रेलवे ट्रैक किनारे मिलने से सनसनी। बिहार से एक दिल दहला देने वाला खबर आई है, जहां औरंगाबाद के एक गांव की जीविका सीएम 18 जून को लापता हो गई। परिजनों ने फेसर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। शुक्रवार को महिला की शव देव रोड हॉल्ट के पास ट्रैक किनारे मिली, जिससे सनसनी मच गई। परिजनों का आरोप है कि पहले अगवा कर फिर गैंग रेप किया गया, फिर शव को ठिकाने लगाने की नियत से ट्रैक किनारे फेंक दिया गया है। अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए औरंगाबाद के रमेश चौक को परिजन सहित काफी संख्या में लोग सड़क को जाम कर दिया, जहां पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि महिला घूम थी कल शाम में, उस समय के बाद उसकी लाश मिली है, बॉडी मिली, तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। पोस्टमार्टम होने पे इस वजह से क्या हुई है या क्या कारण है वो सामने आ जाएगा, और आवेदन ले लिया गया है पति और उनके जो है आवेदक के द्वारा लिया गया है, और उस पर हम कार्रवाई करेंगे, त्वरित कार्रवाई होगी। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की क्या मांग है? मांग जो भी है वो पूरी की जाएगी और इसमें त्वरित गति से कार्रवाई होगी। सीएम दीदी थी निर्मला जी, और उनका 17 तारीख को शाम में 5 बजे तो ट्रेन से खींच करके सामूहिक दुष्कर्म कर इनकी हत्या कर दी गई, और इस घटना की पूरी निंदा करते हैं हम लोग, और इनके साथ न्याय हो, घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। हम लोग जब तक इनके साथ न्याय नहीं किया जाएगा। कहाँ की रहने वाली है? हत्या है फेसर थाने के अंतर्गत, और इनकी हत्या रफीगंज थाने में गरवा गांव के पास करके गैंगरेप करके कर दिया गया। क्या अगर आप चाहते हैं समाज और दुनिया के लिए कुछ करना, आपके अंदर है पत्रकारिता करने की जुनून, तो जुड़िए न्यूज प्राइम 24 से। जरूरत है बिहार और झारखंड यूपी के लिए रिपोर्टर, कैमरामैन एवं ब्यूरो की।